हाय एवरीवन, मैं राज महावर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएसटीसी हाई कोर्ट और पटवारी की इंग्लिश, लेकिन किसी कारणवश वो हम स्टार्ट नहीं कर पाए, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, इसका सिलेबस देख लेते हैं हम कि इंग्लिश का जो सिलेबस है बीएसटीसी हाई कोर्ट और पटवारी में जो कॉमन टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। उससे पहले हम इसका मार्क्स देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, बीएसटीसी में 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स पर जो क्वेश्चन है वो कितने अंक का हो रहेगा, 3 अंक का रहेगा। इसी के बाद हम इसमें देखेंगे हाई कोर्ट में, तो इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे। पटवारी में बात करें हम, तो पटवारी में 11 अंक का हो 11 क्वेश्चन आएंगे और 22 अंक के वो होंगे। तो इस प्रकार से इसके अंक डिवाइडेशन हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं इसके टॉपिक कौन कौन से हैं। देखो, तो बीएसटीसी में जो पहला टॉपिक है हमारा टेंसेस का है, दूसरा है प्रीपोजिशन, तीसरा नरेशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस कंप्लीशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस एंड अदर डिटर्मिनर्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये है बीएसटीसी के इंग्लिश के टॉपिक, और इनमें से कुछ टॉपिक है जो हाई कोर्ट में भी आ रहे हैं। जैसे टेंसेस इसमें है तो टेंसेस इसमें भी है, एक्टिव पैसिव इसमें नहीं है, बट नरेशन इधर भी है और इधर भी है, सिनोनिम एंटोनिम इधर भी है, इधर भी है, वन वर्ड इधर नहीं है, जेंडर नहीं है, ये 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 है, आर्टिकल्स और ये, तो और मॉडल्स अलग हैं। इसी प्रकार से इसमें भी जो कॉमन टॉपिक है वो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉमन एरर इधर भी है, इधर भी है, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस इधर भी है और इसमें भी करेक्शन ऑफ सेंटेंस है ना, ये रहा, और है एंटोनिम इधर भी है, इधर भी है, सिनोनिम भी है, आइडियम्स और फ्रेजेस ये अलग है, और स्पॉटिंग एरर्स इधर भी है और इधर भी है। तो देखिए, इस प्रकार से जो सभी कॉमन टॉपिक है, तो इसके मतलब ये है, मैं बताना ही चाह रहा हूँ आपको कि ये जो टॉपिक है सारे कॉमन टॉपिक है। इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई सा भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये टॉपिक अमूमन पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक इस यहाँ पर अपने जो चैनल है शिवाय क्लासेस, इस चैनल पर आपको ये सभी टॉपिक इस प्रकार से पढ़ने हैं कि आगे इंग्लिश से रिलेटेड चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो उसमें हम अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कम से कम एग्ज़ाम तक तो हम याद रखने का इसे प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आप सभी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड जो वीडियो कल से आने वाले हैं, अवेलेबल होने वाले हैं आपको, उन सभी वीडियो को आप एक बार देखें, दो बार देखें, बार बार देखें, तब तक समझ में नहीं आए देखते रहे, ताकि वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो आप उसको बार बार देखें, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमेशा इंग्लिश से कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पोस्ट के लिए हो, छोटी पोस्ट के लिए हो, चाहे हायर पोस्ट के लिए हो, ये सभी जो टॉपिक से काम में आने वाले हैं। तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े, पूरे कंसंट्रेट होकर पढ़े, ताकि जो ये टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, टेंसेस, टेंसेस जो पहला टॉपिक है इसको, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको अपन पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 1-1.5 महीने लग जाएगा इसको पढ़ने में। टेंस को अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते आ रहे हो 12वीं तक 11वीं तक, कि राम जाता है, खाना खाता है, वह आता है, नहीं आता है, तो इस प्रकार से हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम वैसे पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमारा जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तीनों, इस दोनों में इसमें तो है नहीं टेंसेस, तो जिस प्रकार से भी जितने भी पैटर्न बनते हैं टेंस से रिलेटेड, उस सारे पैटर्न पर आधारित मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद टेस्ट लूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कितना सीखा। दूसरी बात है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी बहुत सारी है, उसको आपको इसमें प्रीपोजिशन होने को तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन अपन 2 प्रकार है, बाकी एक में सब आ जाएगी, क्योंकि एक तो होती है फिक्स्ड प्रीपोजिशन और एक होती है अनफिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो हमें परेशानी कहाँ आती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, क्यों, क्योंकि वो हमें याद करना होता है, वहाँ फिक्स होती है, हमें वो वर्ब्स याद करनी है जिन वर्ब्स के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वही आती है, इसलिए हमें उनको याद करना पड़ेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपके लिए लेके आऊँगा,
दूसरा है नरेशन, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन 11 तक, तो उसको अब थोड़े स्टैंडर्ड लेवल पर देखेंगे। कंजंक्शन है, सिनोनिम एंटोनिम है, ये सिनोनिम एंटोनिम आपको खुद ही याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे हैं, ये मैं कितने के लिखवाऊंगा, लेकिन फिर भी जो अब तक एग्ज़ाम्स में बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें जो आ चुके हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं लिस्ट लेकर आऊँगा आपके लिए ताकि वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए और याद आप आसानी से कर सको। इसके बाद ही हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से मतलब ये है कि एग्ज़ाम में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और उसके आंसर पैसेज में होंगे, उसको रीड आउट करके हमें उसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉटिंग एरर्स, उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग और आर्टिकल एंड अदर्स, डिटर्मिनर्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। स्पॉटिंग एरर्स में क्या होगा कि आपको स्पॉटिंग एरर जो होगा उसमें क्या करेगा, वो एक सेंटेंस देगा आपको, क्या देगा, एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस में ये आपको टॉपिक तो लग रहा है स्पॉटिंग एरर्स, ये छोटा सा टॉपिक लग रहा है आपको लगने में, लेकिन ये छोटा सा नहीं है, इसमें पूरी ग्रामर आ गई, क्योंकि स्पॉटिंग एरर का मतलब ये है कि वो एक सेंटेंस देगा और सेंटेंस में चार से पांच भाग में उसको डिवाइड कर देगा ऑब्लिक लगा के, ठीक है। अब वो किसी भी एक पोर्शन में मिस्टेक दे देगा आपको, अब वो मिस्टेक जो होगी वो ग्रामर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो फिर टेंसेज हो, प्रीपोजिशन हो, नरेशन हो, एक्टिव पैसिव हो, कोई सा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो। इसका मतलब ये है कि ये स्पॉटिंग एरर है, हमें स्पॉटिंग एरर करने के लिए ग्रामर पूरी आना चाहिए। ये है तो इतना सा टॉपिक, लेकिन स्पॉटिंग जो एरर है इसका मतलब ये है हमें ग्रामर से रिलेटेड कोई से भी टॉपिक से संबंधित वो एरर दे सकता है, हमें वो सारे टॉपिक आने चाहिए तभी हम उस जो स्पॉटिंग होगा एरर की उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू फाइंड आउट द स्पॉटिंग एरर। तो आगे देखो, इसके बाद है हमारे पास स्पॉटिंग एरर हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होगा कि एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में वो एक या दो ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा और उसके ऑप्शन देगा और उसको हमको करेक्ट जो स्थिति के अनुसार सही सूटेबल वर्ड होंगे उसकी वर्ड्स को हमें लेना होगा, चूज करना होगा और उसमें फिलअप करना होगा। इसके बाद है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इसको सही करना होगा सेंटेंस को, उसमें spelling, कुछ स्पेलिंग से रिलेटेड दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे हमारे, या तो वो चार ऑप्शन देगा इसमें, है ना, तो चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन वो सही देगा और एक ऑप्शन गलत देगा, या तो ऐसे आएगा, और वो जो भी एक ऑप्शन देगा सही देगा तो सही को फाइंड आउट करवाएगा और गलत देगा तो गलत को फाइंड आउट करवाएगा। जैसे मान लो उसने चार ऑप्शन दे दिए और चार ऑप्शन में से एक सही है बाकी तीन गलत है, तो हमें क्या फाइंड करवाएगा, वो सही ऑप्शन फाइंड करवाएगा और हमें फिलअप करना है, चूज़ करना है। इसके बाद या फिर उल्टा दे सकता है वो, उल्टे कैसे, तीन तो गलत दे देगा और एक सही, या फिर तीन सही एक गलत, एक जो भी देगा एक गलत देगा तो गलत को फाइंड आउट करवाएगा। इसके बाद है आर्टिकल्स, आर्टिकल सब जानते हैं एंड द, इसके बाद है अदर डिटर्मिनर्स, जानते हैं लेकिन इसको तरीके से पढ़िए, अदर डिटर्मिनर्स, तो आर्टिकल जो है वो डिटर्मिनर्स का ही एक टॉपिक है, उसके आर्टिकल के अलावा जो डिटर्मिनर्स के अन्य टॉपिक है उसको भी हम पढ़ेंगे, जैसे मच के बाद रहा हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें आएगा कि एक सेंटेंस का वो उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, एक उदाहरण दे के, ठीक है, ऑप्शन दे देगा, चार जितने भी सेंटेंस है पाँच ही, पाँचों में से चार ऑप्शन दे देगा और उसको फाइंड आउट करवाएगा। इसी प्रकार से इसके जो कॉमन टॉपिक है वो इधर आ चुके हैं तो उसको समझने की आवश्यकता है ही नहीं, इधर एक्टिव पैसिव शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको सारे जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर वो स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ाएंगे ताकि इंग्लिश से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये आते हैं उसको आप अच्छे से कर पाओ। सिनोनिम आ गया, वन वर्ड याद करने पड़ेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वन वर्ड है मेरे पास उसकी मैं लिस्ट दूंगा आपको ताकि आप उसको इजीली अच्छे से याद करते हो। जेंडर है, एडजेक्टिव,
वर्ब, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, ये तीन होते हैं, इसने दो ही दिए हैं। आर्टिकल्स इधर आ गया, मॉडल्स है, मॉडल्स भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी अपन सारे टॉपिक हैं जो स्टैंडर्ड लेवल पढ़ेंगे ताकि आपको लगे कि वाकई पढ़ाया जा रहा है। एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इधर से, इसका मतलब इसमें कैसेज देगा, जो पूरा पैसेज है वो पैसेज देके क्वेश्चन पुटअप करेगा। कॉमन एरर आ गया, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आ गया, सिनोनिम एंटोनिम इडियम, इडियम मतलब मुहावरे, फ्रेजेस भी, जो फ्रेजेस होते हैं दो तीन शब्दों से मिलकर वो पूछेगा। स्पॉटिंग एरर्स, ये इधर भी है इधर भी है, तो लगभग लगभग इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं। तो ये जो क्लास है सिलेबस की आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और अब इसके बाद हम कल से आपको रेगुलर क्लासेस देंगे ताकि आप रेगुलर बने रहें हमारे साथ और इन टॉपिक्स को पढ़ते रहे, सीखते रहे शिवाय क्लासेस चैनल पर। तो आप, तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो आपको ये सिलेबस से रिलेटेड जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। और वाकई आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।